गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा कि भैया ये बताइए कि कोन होता क्या है। तो बच्चों, ये जो है मैं बनाया हूँ, मैं ये एक्चुअल में हम लोग याद है मूंगफली खाते हैं, तो वो जो मूंगफली वाले भैया है हमें कुछ ऐसा बना के देते हैं, ऐसा है ना, ये ऐसा कुछ बना के देते हैं इस टाइप से। तो ये जो होता है एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये कोन है, ये जो दिख रहा है ना ऐसा बना के देते हैं, ये कोन होता है। ये दिख रहा होगा इस टाइप से, ये ऐसे ही मूंगफली वाले भैया हमको बना के देते हैं, ये देखो ये है ना। तो बच्चों ये एक्चुअल में यही क्या रहता है, कोन कहलाता है। ये जो दिख रहा है ना कोन है। अब बच्चों इस कोन में मैं इसको ऐसे रखा हूँ, ये देखो इसको ऐसे ही रखा हूँ, यहाँ पे ऐसे बनाया हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे बनाया हूँ मैं इस कोन को। तो नीचे में जो रहता है, ये जो नीचे में रहता है, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ये जो नीचे है ये वाला, तो ये वाला जो सरफेस है वो सर्कल टाइप का रहता है। ये देखो सर्कल टाइप का है, ये वाला सरफेस कैसा रहता है, सर्कल रहता है ना। ये वाला सरफेस कैसे रहता है बच्चों, ये वाला जो दिख रहा है वो सर्कल टाइप का रहता है, ये वाला सर्कल शेप में रहता है। और ये देखो यहाँ पे ये ऐसे ही कोन रहता है, तो ये कहलाता है कोन कहलाता है ये। अब यदि मैं बात करूं कोन का, तो बच्चों ये वाला कहलाता है, ये वाला क्या कहलाता है, वर्टेक्स। कोन में क्या कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाता है, ये कहलाता है बेस। ये हो गया बेस, ये बेस है। और बच्चों ये बेस किसके फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में। तो वर्टेक्स, और ये बताओ इसका सर्कल का सेंटर क्या है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। यदि सर्कल की बात करूं तो सर्कल का ये क्या है बच्चों, सेंटर है। यदि मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, यहां से एक लाइन खींच दूं, है ना, एक लाइन खींच दूं मैं, तो बच्चों इस लाइन को बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस बोला जाता है। इस लाइन को क्या बोला जाता है, एक्सिस बोला जाता है। और बच्चों ये वर्टेक्स को और इस पॉइंट को जो टच करता है उसको बोला जाता है स्लैंट हाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एल से। ये हो गया एच और ये क्या हो गया बच्चों, आर हो गया। तो यदि तुमसे कोई क्वेश्चन करे तो भैया मेरे को बताओ कि स्लैंट हाइट क्या होता है, या पहले क्वेश्चन कर दे कर कोन कैसा बनाते हैं, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि जब भी, यदि कोई भी बोले कि कोन कैसे बनाते हो, तो आसानी से बोल सकते हो कि जब भी मैं क्या करूंगा, ये टू डायमेंशनल क्या बन गया, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को क्या करूंगा बच्चों, मैं रोटेट कराऊंगा, ऐसे रोटेट कराऊंगा, घुमाऊंगा। तो जो सॉलिड जनरेट होता है, जो सॉलिड जनरेट होता है, सॉलिड जनरेट होता है कब, जनरेट होता है कब, इसको इसको ऐसे घुमाने से, ऐसे मैं घुमाऊंगा, तो जब घुमाऊंगा मैं तो जो जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, कोन कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भैया इसको सर्कुलर नाम क्यों पड़ा, सर्कुलर इसलिए पड़ा बच्चों क्योंकि बेस जो है, बेस वो सर्कल के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, देखो सर्कल के फॉर्म में। अब क्वेश्चन पूछेगा राइट क्यों नाम है भैया, तो बच्चों यहां पे राइट एंगल बना रहे, कितना डिग्री, 90 डिग्री। यदि ये 90 डिग्री नहीं बनाता तो इसका नाम राइट सर्कुलर कोन नहीं होता, नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर कोन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, वर्टेक्स बोला जाता है, प्लीज ध्यान देना, इसको बोला जाता है वर्टेक्स। ये क्या कहलाता है, बेस। और बेस का ये हो गया रेडियस, ये होता है स्लैंट हाइट। यदि कोई बोल दिया जाए स्लैंट हाइट क्या होता है, तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि ऐसा लाइन जो वर्टेक्स को, वर्टेक्स से और कहां पे पास हो, वर्टेक्स से लेके कहां पे आए, पूरा उस सर्कल का, सर्कुलर का ये सर्कल जो बना है उसके किसी भी पॉइंट को टच करे। हो सकते हैं बच्चों ये यहां पे भी टच कर सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी टच कर सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं इसकी, बात करूं मैं इसकी, बात करूं ये इसकी, बात करूं तो ये वाला हो गया स्लैंट हाइट। और ये देखो यहां पे टच कर रहा है, ये देखो, तो ये सर्कल को क्या कर रहे हैं, ये देखो ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं, ये यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे भी टच करे, तो ये क्या कहलाएगा, स्लैंट हाइट कहलाएगा। तो स्लैंट हाइट क्या होता है, तो जो ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से लेके वो सर्कल के, जो सर्कल का एज है, यानी कोई भी सर्कल के जो सर्कल बना रहे हैं उसके किसी भी पॉइंट को जो टच करेगा, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट कहेंगे। स्लैंट हाइट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, एल से। तो चलो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, है ना, हम लोग बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, है ना, या उसी को पाइथागोरस हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो बच्चों इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बच्चों एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही आएगा।
एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इतना नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करो इसे। तो पूरा चीज बता दिया, इसका नाम राइट सर्कुलर कोन क्यों पड़ा, नीचे में बेस जो होता है वो सर्कल होता है, फिर हाइट एच है उसको स्लैंट हाइट बोला जाता है। यदि कोई बोल दे एक्सिस का डिफिनेशन बताइए तो भी बता दे सकते हो कि कोई लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से कहां पे आए, सर्कल के सेंटर को टच करे, तो उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे, या वही हाइट है। यदि बोले कोण कैसे जनरेट करते हैं, तो कोण कैसे बनाते हैं, तो आप इजीली बोल सकते हो कि एक मैं यदि ट्रायंगल शेप लूंगा, है ना, 2D है वो ना, प्लीज ध्यान देना, ट्रायंगल शेप लूंगा, यदि उसको मैं रोटेट कराऊंगा घुमाऊंगा तो दो सॉलिड जनरेट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि कोण का एरिया कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये सब चीज बता दिया मैं, दूसरा मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि कोण का एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाल देंगे। तो चलो इसी को आगे थोड़ा ले लेते हैं। तो मैं एक कोण ले लेता हूं वापस, ये कोण, चलो तो ये मैं ले लिया, क्या ले लिया, यहां पे कोण ले लिया, ये बच्चों कोण है ना, ये हो गया कोण, और इसी कोण को क्या बनाना है मुझे, इसको थोड़ा नीचे कर लूं, इसको नीचे कर लूं थोड़ा, ये है कोण। इस कोण का मुझे क्या बनाना है, सरफेस एरिया बनाना है। अब बच्चों मेरे लिए बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा कि मैं सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा मैं, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। तो थोड़ा बहुत आप माइंड यूज करके इजिली बना सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो बच्चों ये है मेरे पास, ये देखो, ये ऐसा कुछ बनाया हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं तो और बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो बच्चों तो इसको देखते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हो। तो मैं क्या कर रहा, ऐसे ही लिया हूँ, ये देखो ये पन्ने लिया, और शायद इसमें दिख नहीं रहा होगा, बहुत लाइट है इसलिए दिख नहीं रहा है, ये लाइट है ना। तो इसमें क्या बना हुआ है, नीचे में देखो, ये ऐसे करूंगा तो ये देखो लाइन बना हुआ है, ऐसे लाइन बनाया, सेम ऐसे ही लाइन बना दिया मैं। चलो बच्चों बनाओ, ये हो गया लाइन बना दिया, ऐसे ऐसे लाइन बना दिया मैं, ये हो गया सर्कल, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये लाइन बना दिया, ऐसे लाइन बना दिया, इसको मैं क्या कर दूंगा, कट करके बाहर निकाल दूंगा, क्या करूंगा, इसको कट करके मैं बाहर निकाल दूंगा। तो देखो मैंने क्या किया, ये देखो ये ऐसा जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा है, ये देखो बच्चों दिख रहा होगा, ये जुड़ा है, जैसा सर्कल था, इस सर्कल से इस वाले पार्ट को, यही वाला पार्ट है, ऐसा दिख रहा है, इस पार्ट को मैं बाहर निकाल दिया। पार्ट को बाहर निकालने के बाद इसी का क्या बनाऊंगा मैं, कोण बना दिया, ये देखो इसी पार्ट का क्या बना दिया मैं, कोण, दिख रहा होगा बच्चों, आप घर में ट्राई करना, ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ऑनलाइन है तो यहाँ पे आपको दिखाते नहीं बनेगा, ऐसे ही बस दिखा सकते हो। ये देखो कोण बना दिया, आप क्या करना, ऐसे ही बनाना, सर्कल लेना, सर्कल बनाना, उसमें से कट कर लेना, और कट करने के बाद ऐसे ही कोण बनाने का ट्राई करना, जैसे मैं बनाया हूँ कोण बनाए। तो ये बताओ बच्चों, ये जब कोण बनाया है तो ये जो निकला यहां से, ऐसे जो निकला है, तो ये वाला निकला है, चलो ये इसके बारे में इसको छोटा कर लेते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। ये मैं यहां पे ले गया, समझ लो ये था, इसी को समझ लो उठा के मैं यहां पे ले आया, और इसको लाने के बाद थोड़ा सा इसको ये बड़ा कर दिया ना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। ये बताओ ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला मैं क्या माना था, स्लैंट हाइट बोला था, क्या बोला था मैं, स्लैंट हाइट। चलो पहले ये वाला क्या था, हाइट था, ये क्या था, रेडियस आर था, और ये क्या था, स्लैंट हाइट एल था। इसका मतलब ये बताओ ये क्या होगा, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये बताओ ये क्या होगा, ये स्लैंट हाइट एल होगा, एल, ये स्लैंट हाइट एल होगा। तो ये बताओ ये इस सर्कल के लिए, यदि इस सर्कल की बात करूं मैं,
इस सर्कल के लिए, ये बताओ सर्कल के लिए क्या काम कर रहा है ये वाला, ये पूरा सर्कल है, तो इस सर्कल के लिए एल क्या काम कर रहा है, आर का रेडियस का काम कर रहा है, तो इस सर्कल के रेडियस का काम कर रहा है, तो ये बताओ इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, तो बहुत आसानी, इसका सर्कमफेरेंस ये बताओ बच्चों सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πL, जो 2πr होता है वो 2πL क्यों लिखा, क्योंकि r की जगह यहां पे l है, ये देखो बच्चों इसी को उठा के मैं यहां कर दिया, सेम ये कोण है, ये देखो 2πr, पूरा 2πr है ना, 2πr है, ये बताओ ये मतलब ये 2πL है ना, क्योंकि ये l, l जो है स्लैंट हाइट है, प्लीज ध्यान देना, स्लैंट हाइट जो है इसका है स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट इसका, इस सर्कल का क्या काम कर रहा है, प्लीज ध्यान देना, इस सर्कल का रेडियस काम कर रहा है वही, तो ये क्या हो जाएगा 2πL, ये देखो 2πL। अब मेरे को ये बताओ इस वाले को क्या हो जाएगा, इस वाले को देखो मैं मोड़ा हूं, इस वाले को ऐसे मोड़ा हूं, मैं ऐसे मोड़ा है ना, मोड़ा हूं तभी ऐसा बना हुआ है, ये मोड़ के ही बना हुआ है, तो ये मेरे को बताओ ये वाला जो मोड़ा हुआ है, ये ऐसे पूरा मोड़ा हुआ है, तो इसका क्या था पूरा, ये वाला क्या है 2πr, प्लीज ध्यान देना ये 2πr है, कौन सा वाला, यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना है 2πr, कैसे बोल दिए 2πr, तो बच्चों ये वाला देखो, ये वाला जो r है ये पूरा सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये हो जाएगा 2πr, 2πr क्योंकि ये सर्कल है, तो ये हो जाएगा 2πr, और इसी को क्या किया हूं मैं, ऐसे ओपन किया हूं, खोला हूं, ये देखो घर में ऐसे ही बनाना, ये बना ये देखो नीचे में, ये देखो 2πr, इस 2πr को मैं खोल दिया और लाके देखो और रखा हूं मैं, ये देखो फिर वापस यहीं से देखो अच्छे समझ में आ गया, इसको क्या किया था मैं, मोड़ा था ऐसे मोड़ दिया था, ये देखो ऐसे मोड़ दिया था, मोड़ने के बाद बच्चों आप भी ट्राई करना, मोड़ा था ऐसे देखो, मोड़ा था तो नीचे का क्या होता है, ये देखो ये मोड़ दिया तो नीचे में क्या बना था, सर्कल बना था, ये देखो ऐसे मोड़ा हूं, देख लो पूरा एक एक चीज समझ में आना चाहिए, ये देखो व्हाइट इसलिए बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये वाला सर्कल बना था पूरा बाहर में, सर्कल वही वाला क्या है, ये वाला देखो ऐसा बना हुआ था, ऐसे बना था, इसको ऐसे खोल दिया तो ये 2πr ही तो था, तो ये 2πr है, मुझे इसी का तो एरिया निकालना है, और यदि मैं इसका एरिया निकाल लिया, मतलब कोण का भी एरिया निकाल लिया, तो ये बताओ सर्कल के 2πL के लिए बताओ बच्चों सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर, अरे ये एल है जो रेडियस का इसके लिए बिहेव कर रहा है, तो पाई एल स्क्वायर, तो इस 2πr का इस सेगमेंट का निकालो, तो मैं लिख सकता हूं, तो 2πr का बताओ तो क्या हो जाएगा, जैसे 10 रुपए में 5 चॉकलेट, तो 10 रुपए में 5 चॉकलेट, तो 20 रुपए में कितने चॉकलेट, वही वाला क्वेश्चन है, तो 2πr में पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर, तो 2πr में क्या हो जाएगा, तो लिख सकता हूं पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2πL इंटू 2πr, बच्चों 2π और 2π क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहां से, l और a कट जाएगा, तो बचेगा क्या पाई आर एल, ये देखो क्या बचा पाई आर एल, आप कैलकुलेट करके देखना पाई आर एल बचा, तो मैं इजिली निकाल लिया कि कोण का जो एरिया होता है सरफेस एरिया, तो मैं कोण का इजिली निकाल सकता हूं कि कोण का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2π, नहीं सरफेस का जो होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल कैसे आया 2πL, पाई एल स्क्वायर के पूरे बराबर है ये एरिया पूरा है ना, ये सरकमफेरेंस 2πL है, इसका एरिया कितना हो गया पाई एल स्क्वायर, तो ये 2πr, तो 2πr का कितना एरिया होगा, तो इसका एरिया निकाल लिया तो पाई आर एल आ गया, बच्चों ये पता है, यहां से लेक्चर बस देखोगे समझ में नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा घर में सेम ऐसे ही काटना, फिर इसके बाद कोण बनाना, और कोण बनाओगे तो आसानी से आप बता सकते हो कि पाई आर एल कहां से आया, तो पाई आर एल कहां से आया बच्चों, कोण सरफेस एरिया पाई आर एल आ गया, बहुत इजीली से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यदि बात करूं किसकी,
वॉल्यूम की, तो चलो वॉल्यूम की भी बात करते हैं। वॉल्यूम कहाँ से आया है ना, वॉल्यूम कहाँ से आया? तो बच्चों एक कोन बनाया मैं, ये हो गया कोन, तो चलो बच्चों है ना, तो ये बन गया सिलेंडर है, ये सिलेंडर, ये कितने कोण है? तीन, ये वन वन कोण, टू कोण, और ये कितने हो गए? ये वन कोण, टू कोण, और ये कितने हो गए? थ्री कोण। ये वन टू थ्री कोण। बच्चों इसका हाइट कितना है? सबका, तीनों का कोण इक्वल हाइट है, एच है, तीनों कोण का हाइट इक्वल है। अब मेरे को क्या निकाल रहा हूं मैं? वॉल्यूम निकाल रहा हूं। किसका? कोण का। वॉल्यूम निकाल रहा हूं कोण का। सपोज मेरे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसका हाइट कितना है? इस भी सिलेंडर का हाइट एच है। बहुत आसानी से निकाल सकते हो बच्चों, इस सिलेंडर का हाइट क्या है? एच है। इस सिलेंडर का हाइट एच है। अब मैं क्या करूंगा, ये सिलेंडर का मैं, जो गांव में याद है हम लोग सांचा बनाते हैं, आप स्पेस बनाइए किसके, इस सिलेंडर का स्पेस, जितना ये जगह कवर करेगा, जैसे जो गांव में स्टेच्यू बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति वाले भैया को बोलना, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि इतना स्पेस बताइए सिलेंडर, इतना स्पेस बनाइए, जगह बनाइए, उसमें जगह बनेगा, उसके बाद तुम्हारे पास तीन कोण है। पता है बच्चों इसमें तुम क्या करोगे? पता है इसमें पानी भरोगे, इसको ऐसे करके सीधा कर लेना, इसमें पानी भरना, उसके बाद इसमें डालना, फिर उसके बाद फिर पानी भरना इसमें, फिर इसमें डालना। इसका मतलब है कि एक ही कोन का भी यूज कर सकते हो आप, है ना, एक ही कोन का तीन बार आप पानी डालोगे, एक बार, दो बार, तीन बार। बच्चों कोन एक ही है, तीन बार पानी डालोगे, पूरा भर भर के पानी को भरा सिलेंडर में डाल दिया, फिर पानी को भरा सिलेंडर में डाल दिया, फिर पानी को भरा सिलेंडर में डाल दिया। मैं ये देखूंगा यदि हाइट सेम रहे सबका ना, मैं ये देखूंगा कि पहली बार में सिलेंडर यदि यहां तक भर रहा है, तो दूसरी बार में यहां तक भरेगा, और तीसरी बार में बच्चों ये सिलेंडर पूरा क्या हो जाएगा? तीन बार में पूरा भर जाएगा। यानी जो आप जो है कुम्हार भैया से जो बनवाए हो, सांचा बनवाए हो, उसमें यदि आप पानी डालोगे, इसका इस सिलेंडर का सांचा बनवाए हो, है ना, तो इसमें से यदि पानी डालते जाओगे, या सिंपल बोलूं मैं, है ना, कि इसमें तीन एक ही कोण लिए और तीन तीन बार मैं पानी डाल दिया उसमें, तो मैं देखूंगा वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भर जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो तीन बार भर जाएगा, तीन बार में भर जाएगा, मतलब तीन बार मैं कोण में पानी डालूंगा तो ये वाला पूरा फिलअप हो जाएगा। तो इसका मीनिंग मैं क्या समझा, इसका मीनिंग क्या समझा मैं? इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ ये कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ ये कोण इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? सिलेंडर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तीन बार मैं भरूंगा कौन से, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर हो जाएगा? सिलेंडर के बराबर। तो मैं कौन में भरा, कौन में, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये देखो, सिलेंडर डिवाइडेड बाय थ्री, डिवाइडेड बाय थ्री। सिलेंडर का वॉल्यूम मैं पढ़ाया हूं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे में क्या है? थ्री। तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय थ्री। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय थ्री। बच्चों जो आइसक्रीम आप खाते हो किस कौन से शेप का रहता है? कोन का शेप का रहता है। बच्चों जो टेंट लगाते हैं, है ना, हमारे फौजी भाई लोग क्या करते हैं, कभी कभी बाहर में वो लोग जंगल में, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो टेंट लगाते हैं, टेंट भी कौन से शेप का रहता है? कोन का शेप का। तो यदि पूछा जाए वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम और एरिया, कितना सरफेस एरिया है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। सरफेस एरिया क्या होता है? पाई, क्या निकला था? पाई आर एल। एल क्या था उसमें? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकाले थे? अंडर रू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके। सेम बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं कोन का। तो कोन का वॉल्यूम क्या आता है? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई थ्री। तो बच्चों हम लोगों को कोई रटने की जरूरत नहीं है,
मैं बहुत आसानी से बता दिया हूं कि कोन का एरिया कहां से आता है और वॉल्यूम कहां से आता है। तो आप जो है वीडियो ऐसे ही मेरे देखते जाएंगे तो आपको आइडिया मिलते जाएगा और मैं इसकी कंटिन्यू वीडियो डालते जाऊंगा। तो आज जो है कोन का थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके न्यूमेरिकल कराते जाऊंगा और सबका कॉम्बिनेशन भी कराऊंगा, तो पूरा आप लोगों को क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 9th के भी सिलेबस में है, 10th में भी है, और इवन कॉम्पिटिशन एग्जाम वालों के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये या रटना नहीं पड़ेगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।